गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज धरती मैम विद यू. टुडे इज योर लेक्चर नंबर 51 एंड वी आर डूइंग द चैप्टर जेनेटिक्स एंड योर टुडेज टॉपिक इज जेनेटिक कोड. वी हैव लिसन अबाउट इट डेट देयर आर नंबर ऑफ कोड्स प्रेजेंट विच आर रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट वॉट इज जेनेटिक कोड. So it is a dictionary that corresponds with the sequence of nucleotides and the sequence of amino acids. Clear? ये किससे related होता है? Sequence of nucleotides के साथ and the sequence of amino acids as well. Genetic code एक set of rules है by which information encoded in the genetic material and is translated into proteins by the living cells. The term जेनेटिक कोड वॉज गिवन बाय जॉर्ज गैमोव. देन सी इट्स डिस्कवरी. डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डीएनए को डिस्कवर किसने किया है? वॉटसन, दैट इज जेम्स वॉटसन एंड द फ्रांसिस क्रिक ने. एंड जॉर्ज गैमोव ने पॉस्टुलेट किया डेट अ थ्री लेटर कोड मस्ट बी एम्प्लॉयड टू एनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनको जो कोड है वो कैसे किया जाता है? थ्री लेटर कोडिंग से. एंड दे आर यूज बाय द लिविंग सेल्स टू बिल्ड द प्रोटीन्स. देन नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द जेनेटिक कोड. द लेटर ए, जी, टी एंड सी, they are correspond to nucleotides that are found in the DNA as well, and they are organized into codon. Clear? And the collection of codons is called as the genetics code. पूरी की पूरी collection जो होती है codons की, codes की, they are called as the genetic codes. And for 20 amino acids there should be 20 codon, क्योंकि हर amino acid के लिए अलग से हमारे पास एक codon होना चाहिए. Each codon should have three nucleotides to impart a specificity to each of the amino acid for a specific codon. One अगर nucleotide होगा तो 4 combination, 2 nucleotide 6 combination, 3 nucleotide होंगे तो 64 combinations होंगे. तो यही जो 20 amino acid के लिए यही suit करता है that 3 nucleotide and 24 combinations are there. Then see this slide. In this slide the genetic code is given ATG. They are the three bases and the code for the one amino acid. Clear? तो ये जो कोड थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, थ्री बेसिस हैं, ये कोड करते हैं अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए और हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है? कोड होता है. नेक्स्ट वी हैव द जेनेटिक कोड इन अ टेबल, टेबल फॉर्म, और इसमें 64 एंट्रीज हैं हमारे पास. देखिए टेबल में एक साइड लिखा है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड में लिखा है सेकंड पोजीशन टॉप पे, एंड देन वी हैव द इन द एंड वी हैव द थर्ड पोजीशन. तो हम हर पोजीशन से एक जो लेटर है वो लेंगे. फर्स्ट पोजीशन में देखिए हमने यू लिया, सेकंड पोजीशन में भी येलो कलर में क्या है? यू है. एंड थर्ड पोजीशन में भी हमारे पास क्या है? यू है. तो जो हमारे पास कोड बना वो क्या बन रहा है? ट्रिपल यू. देन सेकेंड अगर हम लेते हैं तो अगेन वी हैव द यू फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन, यू फ्रॉम द सेकेंड पोजिशन, बट थर्ड पोजिशन में अब हमारे पास पिंक कलर में है सी. तो हमारे पास जो कोड बना वो क्या है? यू यू सी. क्लियर? तो इस तरह से सारे कोड्स बनते हैं और अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए बनते हैं. तो ये आपके पास पूरे का पूरा क्या है? टेबल है विद द 64 एंट्रीज ऑफ द जेनेटिक कोड्स. देन वट आर codon and its types. तो genetic code हमने पहले भी discuss किया, is a dictionary consist of the genetic words, जिसे हम क्या बोलते हैं? codons. और हर codon में three bases होते हैं, मतलब ये हमेशा triplet की form में ही present होता है. Then there are 64 codons. Total कितने codons होंगे? 64, जिसमें से 61 codons जो हैं वो code करते हैं for the 20 amino acids that are found in the proteins, and the three codons do not code for एनी अमाइनो एसिड. रिमेंबर दिस थिंग कि 64 में से हमारे पास 61 कोडॉन्स जो हैं वो कोडिंग करते हैं और 3 कोडॉन्स जो हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. देन वी हैव द टाइप्स ऑफ कोडॉन. टाइप्स ऑफ कोडॉन में हमारे पास सेंस कोडॉन्स और सिग्नल कोडॉन्स होते हैं. देन स्टार्ट कोडॉन्स एंड स्टॉप कोडॉन होते हैं सिग्नल. सेंस कोडॉन हम उसे बोलते हैं दैट द कोडॉन that code for amino acids, they are called as a sense codon.
एंड द सिग्नल कोडॉन आर दोज कोडॉन दैट कोड फॉर द सिग्नल ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर कॉल्ड एज अ सिग्नल कोडॉन्स. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास AUG, देन UAA, UAG एंड UGA. आप 64 जो मैंने आपको टेबल बताया था एंट्रीज का, उसमें आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट होंगे. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडॉन्स, दैट इज अ टर्मिनेटिंग कोडॉन. इससे पहले भी जो हमने लेक्चर्स पढ़े उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने ये टर्म यूज़ की है. देन वी हैव द इनिशिएटिंग कोडॉन, जिनके नाम से पता चल रहा है कि इनिशिएट क्या होता है एंड टर्मिनेशन क्या होता है. क्लियर? तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कोडॉन्स हैं. नाउ टर्मिनेशन, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स जो हैं उसमें है UAA, UAG एंड UGA. दे आर द टर्मिनेशन कोडॉन्स और द नॉन सेंस कोडॉन्स. इसे हम और क्या बोलते हैं, नॉन सेंस कोडॉन्स, एंड आर ऑफन रेफर टू एज द एम्बर, ओकर एंड द ओपल कोडॉन. इन्हें यही नाम दिए जाते हैं. देन वी हैव द इनिशिएटिंग कोडॉन्स. AUG इज द इनिशिएटिंग कोडॉन. ये ऐसा कोडॉन है जो कोड करता है फॉर द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स. ठीक है? एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कोड्स फॉर द मिथायोनिन. हमारे पास अमाइनो एसिड है मिथायोनिन, उसके लिए कोड करता है यूकेरियोट्स में, एंड फॉर्माइल मिथायोनिन इन प्रोकेरियोट्स. देन नेक्स्ट वी हैव द एंटीकोडॉन. द बेस सीक्वेंस ऑफ tRNA विच पेयर्स विद द कोडॉन ऑफ mRNA. एक बेस सीक्वेंस है किसकी, tRNA की, और वो पेयरिंग किसके साथ कर रही है, कोडॉन ऑफ mRNA के साथ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज ट्रांसलेशन, एंड इट इज कॉल्ड एज अ एंटीकोडॉन. नीचे डायग्राम में भी देखिए, हमारे पास एक एंटीकोडॉन है, tRNA एंटीकोडॉन लूप लिखा है, एंड नीचे जो हमारे पास है इट इज अ कोडॉन. ठीक है? और वो किस पे है, mRNA पे. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन. कोडॉन कुड बी प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA, दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीकोडॉन जो है वो सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है, DNA में नहीं होता है. देन वी हैव द कोडॉन्स आर रिटन इन 5-3 डायरेक्शन, वेयर एज एंटीकोडॉन्स यूजली रिटन इन 3-5 डायरेक्शन. ये याद रखिएगा. देन एंटीकोडॉन ऑफ सम tRNA मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विद मोर देन वन कोडॉन. पेयरिंग जो होती है वो एक से ज़्यादा कोडॉन के साथ हो सकती है. कोडॉन्स आर सिक्वेंशली अरेंज इन अ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है? न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड में ये कैसे होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जबकि एंटीकोडॉन जो है वो डिस्क्रीटली प्रेजेंट होते हैं सेल्स में विद द अमाइनो एसिड अटैच्ड और नॉट. देन कोडॉन्स डिफाइन विच एंटीकोडॉन शुड कम नेक्स्ट विद एन अमाइनो एसिड टू क्रिएट द प्रोटीन स्ट्रैंड. वाइल एंटीकोडॉन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एट इट्स प्रॉपर पोजिशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. देन वी हैव द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड एज वेल. जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होता है. ठीक है? आपने पहले जो जितने भी टेबल में एंट्रीज देखी वो सारी ट्रिपलिंग में थी. जैसे मैंने फर्स्ट कहा कि UUU, डेट इज़ अ ट्रिपल यू इज़ देयर, देन AUG इज़ देयर, UGA इज़ देयर, तो ये हमेशा ट्रिपलेट्स में ही प्रेजेंट होंगी. देन कॉमालेस, इसमें कोई भी पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं होता है, कॉमा वगैरह यूज़ नहीं होगा, ये जहाँ से स्टार्ट होगा एंड तक एज इट इज़ चलता रहेगा. देन नॉन ओवरलैपिंग कोड इज़ देयर, ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोडिंग प्रॉपर डिक्शनरी है ये, डीजेनरेट कोड होते हैं. देन यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड एज इट इज़, चाहे बैक्टीरिया है चाहे ह्यूमन है, प्रोटीन का कोड जो है, अमाइनो एसिड का जो कोड है वो एज इट इज़ ही रहेगा. देन दे आर द नॉन एम्बिगुअस कोड. देन इसमें चेन इनिशिएशन कोड होता है. ये टर्म यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गई है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा. देन चेन टर्मिनेशन कोडॉन्स में भी ये हेल्प करता है. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड. देन वी हैव अगेन, मैंने एक बार फिर से यहाँ पे आपको शो किया है किस तरह से ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं 64 कोडॉन्स के, तो आप देख सकते हैं इसे. देन डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड. हमारे पास पहले भी टर्म आई, वहाँ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि ये हमारे पास स्लाइड अवेलेबल थी. डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड में क्या है कि एन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर बाय मोर देन वन कोडॉन. एक से ज़्यादा जो कोडॉन है उसके लिए इसकी कोडिंग हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. लेट अस सी कि हमने एक बार क्या किया है.
सबसे पहले हमने देखा कि जेनेटिक कोड क्या होता है, देन उसके बाद इसकी डिस्कवरी क्या होती है। इंट्रोडक्शन में हमने डिफाइन देखी किस तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। देन 64 एंट्रीज देखी है हमने जेनेटिक कोड की, कोडॉन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। देन डिफरेंस देखा एंटी कोडॉन और कोडॉन में, एंड फाइनली हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड किए, एंड देन वी हैव द जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट है, एंड फाइनली हमने देखा डी जेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड क्या होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।